Hello students, we are doing exercise 3.5 and we have done its 5 questions. So today we will start from question number 6. Sixth question is find all the prime factors of 17, 29 and arrange them in ascending order. हमने 1729 की prime factorization करनी है और उसके prime factors को ascending order में लिखना है. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. तो इसके प्राइम फैक्टर्स के बीच अगर कोई रिलेशंस अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस रिलेशन को भी हमने लिखना है कि कौन सा रिलेशन उसके प्राइम फैक्टर्स में एग्जिस्ट कर रहा है. तो सबसे पहला काम कि हमने 1729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो 1729 प्राइम फैक्टराइजेशन इसके स्टार्ट करते हैं 1729. अब यहाँ पे हम अपने डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करते जाएंगे. अब इस नंबर का लास्ट डिजिट 9 है विच इज ऑड, दैट मीन्स ये 2 के साथ तो डिविजिबल नहीं होगा. 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं डिजिट्स को प्लस करके. 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, 19 3 के टेबल पे नहीं आता. ये नंबर 4 के टेबल पे भी नहीं होगा क्योंकि 29 लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 4 के लिए. 29 4 पे नहीं आता, दैट मीन्स ये 4 के साथ भी डिविजिबल नहीं है. 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 से 0 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं है. ये नंबर ना तो 2 के साथ डिविजिबल है ना 3 के साथ, दैट मीन ये 6 के साथ भी नहीं होगा. सिमिलरली अब हम 7 के लिए, तो 7 के लिए हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. सो हेयर इज 7, 7 टू द 14, 7 फोर द 28, 7 7 द 49. दैट मीन्स 7 के साथ डिविजिबल है तो हम 7 प्राइम नंबर के साथ करेंगे. सो हेयर इज 247. तो 247 हमें यहाँ पे प्राइम नंबर ही चाहिए. तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 8, 9, 10, कोई प्राइम नंबर नहीं है. 11 प्राइम नंबर है. अब 11 के लिए रूल क्या था, एक एक डिजिट छोड़ के प्लस करना. 7 और 2 को प्लस किया 9, 4 को उसमें से माइनस किया 5, 11 के साथ ये डिविजिबल नहीं होगा. 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13, 13 के साथ भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. 13 वन द 13, 39 द 117. दैट मीन 13 पे ये डिविजिबल है तो 13 के साथ डिवाइड करके आ गया हमारे पास 19. तो यहाँ पे अब 19 इज अ प्राइम तो ये अपने टेबल पे ही जाएगा 19. तो दैट मीन 1729 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनी वो बनी 7 इंटू 13 इंटू 19. अब इसके ये तीनों प्राइम फैक्टर्स जो हैं इनमें रिलेशन कौन सा है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो 7 प्लस 6 13 होगा. 7 में 6 प्लस कर दे तो 13 बनेगा, 13 में फर्दर 6 प्लस कर दे तो 19 बन जाएगा. मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 6 इसका डिफरेंस है. सो हियर वी विल राइट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव consecutive prime factors of 1729 is 6. मतलब जो भी हमने रिलेशन ऑब्जर्व किया उसे हमने स्टेट करना था. तो रिलेशन यही है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के भी 6 इसका डिफरेंस है. सो द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज 6. क्वेश्चन नंबर 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. कि तीन, कोई भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हम ले लें जो एक नेचुरल और रेगुलर ऑर्डर में हैं, अगर उन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उन तीनों की मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा वो 6 के साथ हमेशा डिविजिबल होगा. तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स लेके इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है. तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ली हैं. एक लिया 2, 3, 4, मैंने तीन कंसेक्यूटिव नंबर 2, 3, 4 लिए हैं. अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2, 3, 6, 4, 24. अब तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तीनों का प्रोडक्ट 24 और हमने चेक करना है कि ये 6 के साथ डिविजिबल है. तो 24 6 के टेबल पे आता है, 6, 4, 24. सो 24 इज डिविजिबल बाय 6. तो एक एग्जाम्पल में तो वेरीफाई हो गया. सेकेंड केस लिया मैंने 5, 6, 7. 5, 6 था 30, 37 दर 210. अब 210 ये 2 के साथ डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है. 3 के साथ 2 प्लस 1 3 प्लस 0 3,
3 के साथ भी डिविजिबल होगा। मैंने 2 और 3 के साथ इसलिए चेक किया कि कोई भी नंबर हमने जो रूल्स किए थे उसमें क्या था, 6 के साथ तभी डिविजिबल होता है अगर वो 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल हो। तो ये नंबर 2 और 3 के साथ डिविजिबल है, इट मीन ये 6 के साथ भी डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 6। तो दैट मीन्स हम कोई भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें, मैंने 2, 3, 4 लिए, जो 5, 6, 7 लिए, 8, 9, 10 ले लो, 9, 10, 11, कोई भी तीन नंबर आप अगर मल्टीप्लाई करते हो उनका जो आंसर बनेगा वो हमेशा 6 के साथ डिविजिबल होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स हमारे शुरू हो जाते हैं 1 से, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, कंसेक्यूटिव जो एक नेचुरल ऑर्डर में चलेंगे, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात की गई है। तो हमने ये देखना है कि अगर हम कोई भी दो ऑड नंबर ले लें, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लें और उन दोनों को प्लस कर दें, उन दोनों का सम, वो हमेशा 4 के साथ डिविजिबल होगा। अब इसे चेक करना है कि हम कोई भी दो ऑड नंबर्स लेके अगर उनको प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा 4 के साथ डिविजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स सेट किए हैं। सी एग्जांपल, फर्स्ट मैंने ली है 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, दोनों को प्लस किया 12, तो 12 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, 4, 3, 12 विच इज डिविजिबल बाय 4। तो दैट मीन्स दो ऑड नंबर्स का सम 4 के साथ डिविजिबल है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया 13 प्लस 15, 13 इज ऑड, 15 इज ऑड, दोनों को प्लस किया 28 को भी 4 के साथ इजीली डिवाइड किया जा सकता है। सो दैट मीन्स सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे हम कोई भी दो एग्जांपल ऑड नंबर्स की ले सकते हैं, तो दोनों ऑड नंबर्स को प्लस करके जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा 4 के साथ डिविजिबल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन हैज डन। नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स और उनकी फैक्टराइजेशन की हुई है, तो हमने चेक करना है कि किस किस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई हुई है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है कि कोई भी ऐसा नंबर जब उसके सारे फैक्टर्स प्राइम हो तब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिनी जाती है, तो अगर एक भी उनमें से प्राइम ना हुआ तो वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। सो जैसे 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 24 के जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो 2 × 3 × 4, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 है दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ पे ये 4 कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है, तो दैट मीन्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कम्प्लीट नहीं है। 56 यहाँ पे 7 × 2 × 2 × 2, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो दैट मीन्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। 70 इसके फैक्टर्स हैं 2 × 5 × 7, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। 54 में 2 × 3 × 9, अब यहाँ पे 9 इज नॉट अ प्राइम, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो 54 की भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, सो इट्स आंसर इज नो। ओके क्वेश्चन नंबर 10 इज डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45 और नॉट। अब हमने चेक करना है कि 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। सो लेट अस स्टार्ट। अब 45 के जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो 5 × 9 है, एंड 5 and 9 आर को प्राइम, क्योंकि 5 और 9 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर 5 के फैक्टर्स देखो तो 5 के फैक्टर 1 और 5 ही बनेंगे, 9 के फैक्टर्स 1 और 3 और 9 बनेंगे, तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स दीज आर को प्राइम। तो दैट मीन्स अब गिवन नंबर की अगर 5 और 9 को प्राइम है, हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे इस एक्सरसाइज से पहले, तो उसमें क्या था कि अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं और उन दोनों के साथ कोई नंबर डिविजिबल है, मतलब अगर 5 के साथ ये नंबर डिविजिबल है, 9 के साथ ये वाला नंबर डिविजिबल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 45 है, तो ये 45 के साथ भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम अपना डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है उसकी पहले 5 के साथ डिविजिबिलिटी देखेंगे। सो 25,110 इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 के साथ डिविजिबल है, रीजन बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 0। तो ये 5 का रूल है कि अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 के साथ डिविजिबल होगा। अब 25,110 ये 9 के साथ भी डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 9
बाय 9 बिकॉज, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हमने सारे डिजिट्स को प्लस करना है, बिकॉज 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, सभी डिजिट्स को प्लस करके 9 बना जो कि 9 के साथ डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 9 क्योंकि डिजिट्स का सम 9 के साथ डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा भी 9 के साथ डिविजिबल है। तो इट मीन्स कि अगर 25,110 टू प्राइम नंबर्स के साथ डिविजिबल है तो उन दोनों के प्रोडक्ट के साथ भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर 25,110 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9, दोनों के साथ डिविजिबल है। इट मीन्स 25,110 इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट बाय 45। ओके, 11th क्वेश्चन इज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 6। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, कैन वी से दैट नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन क्या है कि 18 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल है, तो ये 2 इंटू 3 6 के साथ भी डिविजिबल होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, को प्राइम। सिमिलरली अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों के साथ डिविजिबल है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो नंबर 24 के साथ भी डिविजिबल होगा, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं तो उसकी एग्जाम्पल भी हमने देनी है जस्टिफिकेशन के लिए। सबसे पहली बात, जो 18 के फैक्टर्स दिए हैं 2 एंड 3 वो दोनों को प्राइम हैं, और हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यही कहता है कि अगर दो को प्राइम नंबर सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। अब सेकेंड केस में जो दो नंबर लिए हैं वो 4 एंड 6 हैं, 4 और 6 में कॉमन फैक्टर्स 1 और 2 दो कॉमन फैक्टर्स बन जाते हैं, इट मीन्स 4 और 6 को प्राइम है ही नहीं। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो जरूरी नहीं कि इन दोनों के प्रोडक्ट, जो अगर कोई नंबर को 4 और 6 दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो 24 भी उसे डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, पहला तो रीजन के क्या 4 इंटू 6 24 के साथ डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, तो हो भी सकते हैं 4 और 6 को प्राइम नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर बार ये चीज पॉसिबल होगी। तो सेकेंड उन्होंने पूछा इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 की बात करें, 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6 बट नॉट बाय 24। अब अगर हम 12 की बात करें, 4 के टेबल पे भी 12 आता है, 6 के टेबल पे भी आता है, बट 24 पे नहीं आता। इसी तरह कोई सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 36 जो है ये 4 के टेबल पे भी आता है, इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6 बट नॉट बाय 24। तो दैट मीन्स हर बार पॉसिबल नहीं होगा, कुछ केसेस में है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 के साथ डिविजिबल है तो वो 24 के साथ भी हो, बट ये हर बार नहीं होगा क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नहीं है। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ऐसे और भी बहुत सी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कि नंबर 4 और 6 से डिविजिबल हो लेकिन 24 के साथ नहीं। सो दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके चार डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो। अब यह कि जो नंबर है वो सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली उसके जो प्राइम फैक्टर्स, जो चारों डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे वो भी सबसे छोटे फैक्टर्स होंगे, तभी जो सबसे छोटे से छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही उनका जो कॉमन मल्टीपल है वो सबसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अब इस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमें पहले 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स अज्यूम करने पड़ेंगे। अब क्योंकि नंबर स्मॉलेस्ट है उसके प्राइम फैक्टर्स भी स्मॉलेस्ट होंगे, तो हमारे पास जो पहले चार सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हैं, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, देन 7।
दैट मीन्स 2, 3, 5, 7 के बाद कोई भी प्राइम नंबर वो सारे इनसे बड़े होंगे. दैट मीन्स पहले चार जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो ये चारों हैं. तो ऑब्वियसली जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए उसके जो प्राइम डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी सबसे छोटे होंगे. तो हमारे पास ये वाले वो प्राइम फैक्टर्स आ गए. तो वो रिक्वायर्ड नंबर कैसे बना, मतलब वो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसके ये फैक्टर्स हैं. तो प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास नंबर आएगा. सो 2, 3, 6, 5, 30 × 7, 210. तो 210 वो सबसे छोटा नंबर है जिसके चार डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं. सो हियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 इज फिनिश्ड. If any problem will be there, then ask me in comment box and revise the full exercise properly. Thank you and have a nice day.